हज़रतल व पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकिज़ा ख़्वाबों से शुरू हुआ आप खब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता फिर मिनजानब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गार में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद और ज़िक्र में मशगूल रहने लगे जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा ताला अनहा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर कर खिलवत गुजी हो जाते यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक के आप पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप गार हरा ही में कयाम पजीर थे कि अचानक हज़रत जब्रैल आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि अय मोहम्मद पढ़ो आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता आप सल् वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ उस फरिश्ते ने मुझको नहाय ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई फिर उसने कहा कि पढ़ मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है बस यही आयतें आप हज़रत ज़िब्रैल आलाम से सुनकर इस हाल में गारे वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था आप हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो मुझे कंबल ओढ़ा दो लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ोज़ा मोहतरमा हजरत खदीजा रद अल्लाह तहा को तफसी के साथ ये वाक़ सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रद अल्लाह तला ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रस्वा नहीं करेगा आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं आप तो कुंबा परवर हैं बेकसों का बोझ अपने सर पर रखते हैं मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं मेहमान नवाजी में आप बे मिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक़ का साथ देते हैं ऐसे औसाफे हंसना वाला इंसान यूँ बे वक्त ज़िल्त वारी की मौत नहीं पा सकता फिर मज़ीद तसली के लिए हज़रत ख़दीजा रजाल्ल्ला तहा आपको वरकाबिन नौफिल के पास ले गई जो इनके चचाजाद भाई थे और ज़माने ज़ाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जुबान के कातिब थे चुनाचा इंजील को भी हसब मनशाए खुदावंदी इब्रानी ज़ुबान में लिखा करते थे इंजील सी जुबान में नाजिल हुई थी फिर इसका तर्जुमा इब्रानी ज़ुबान में हुआ वर्ख़ा इसी को लिखते थे वो बहुत बूढ़े हो गए थे यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुख्सत हो चुकी थी हज़रत खदीजा रजल्ल तहा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि अय चचाजाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद सल्ला वसलम की ज़ुबानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसी सुनाओ चुनाचा आप सल्ला वसलम ने अज़ ता आखिर पूरा वाकया सुनाया जिसे सुनकर वरका बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मोजिज़ राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा सलाम पर वही देकर भेजा था काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी रसूल करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे हालांकि मैं तो इनमें सदक़ो अमीनों मकबूल हूँ वर्क़ा बोला हाँ ये सब कुछ सच है मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक़ लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा मगर वरका कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए फिर कुछ अर्से तक वही की आमद मौकूफ़ रही